आप मतलब 0 से 7 और 7 से 14 तक डिस्कस करते हैं ना, और मुझे जो मेन इशू लग रहा है ना, मतलब 14 से 20 के बिटवीन ना, ये वेरी डेंजरस टाइम है ना बच्चों का, तो मुझे काइंडली थोड़ा सा इसमें ना गाइड करें कि इन बच्चों को किस तरह मतलब हम मैंने मुतअद्दिद बार इसके बारे में भी बात की है, 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को एक्चुअली कुछ नहीं कहना होता। कुछ नहीं कहना होने का मतलब यह है कि आपने जिस तरीके से इमारत की पहले बुनियाद रख दी है, वो इमारत उसके हिसाब से हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बच्चा जो है, किसी का बच्चा जो है वो किसी खतरनाक एक्टिविटी में मुलव्वस है, तो उसको कुछ नहीं कहना। मगर उसको कहने का वो तरीका जो 7 साल से कम उम्र के बच्चों का है, वो बड़ों के लिए उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए कि छोटे बच्चों के इर्द गिर्द अगर आप एक खास किस्म का माहौल क्रिएट कर देंगे तो बच्चों की तरबियत हो जाएगी उस तरह की। लेकिन ये छोटों के लिए है। बड़ों के लिए तब्दील होने का सिर्फ एक तरीका है कि बड़ा खुद फैसला करे कि मैंने तब्दील होना है। लिहाजा अगर आपने किसी बच्चे से ये फैसला करवाना है कि तुम तब्दील हो जाओ, तो उसका ये तरीका नहीं है कि तुम तब्दील हो जाओ। उसको नसीहत करना छोड़ दें, उसको डांटना छोड़ दें, उसको हर वक्त उसकी उसकी नजरें रखनी छोड़ दें, उसको हर वक्त शर्मिंदा करना छोड़ दें, 10 बंदों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें, उसको ये ना कहें तुम जिंदगी में नाकाम हो गए हो, तुमने मुझे जाया कर दिया है, मैंने तुम्हारी इतनी खिदमत की है, तुम देखो बाकियों के लोग कैसे करते हैं, तुम क्या करते हैं, तुम्हें अकल नहीं आती, शर्म नहीं आती। ये जितनी बातें भी आप करेंगी ये सही बातें होंगी, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बड़े बच्चे के साथ फिर क्या करें? बड़े बच्चे को इस बात पर कायल करना कि तुम ठीक हो जाओ, उसका तरीका सिर्फ एक है कि उसके साथ एक ताल्लुक बनाए, दोस्ती लगाए, वो आपको अपना समझे। जिस माँ बाप के पास बच्चा बैठना पसंद नहीं करता, जिसकी बात नहीं सुनना पसंद करता, जो उसके लिए काबिले एहतराम नहीं है, उसकी बात को वो कभी भी कोई वैल्यू नहीं देगा। तो बहसियत माँ बहसियत बाप, अपना मकाम उसके दिल में जो खो गया है, क्योंकि अगर आपने 0 से लेके 14 साल तक एक बहुत ही उन पैटर्न के ऊपर तरबियत की थी जो मैं अर्ज करता रहता हूं, तो 14 साल की उम्र में तो वो आपका आपका और उसका रिश्ता यूं होगा जैसे पीर मुरीद का रिश्ता होता है, जैसे मेंटोर का होता है। वो तो कहेगा अब्बा हुजूर, अम्मी 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 ने फरमाया, अम्मी ने जो कहा, वो यूं करके बात करेगा आपके बारे में, फिर आपके साथ यूं ऐसे दोस्तों की तरह कहेगा कि मशवरा तो दें, जरा मशवरा तो दें कि अम्मी मैं क्या करूं, ये फलां बात जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही, जरा आप मुझे गाइड तो करें। वो खुद आपसे मशवरे मांगेगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो पीरियड गलत हो गया है, उस पीरियड में उसने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, उस पीरियड में उसने कंफ्लिक्ट देखे हैं, उस पीरियड में उसने ये चीजें, तो अब उसके साथ सिर्फ दोस्ती लगाई जाए। और उसे उसको और दोस्ती का तरीका यह है कि आप 2 घंटे उसको दे रही है ना कि चले मेरे साथ, चलो बेटा हम शॉपिंग करें, दोनों चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। उस पूरे 2 घंटे के दौरान एक दफा भी नसीहत ना करें। और जो उसकी बातें उसने कुछ अरसे बाद दोस्ती लग जाएगी, जब दोस्ती लगेगी फिर भी नसीहत ना करें, वो खुद आपसे नसीहत मांगेगा और वो बहुत जल्दी मांगने लग जाएगा। ये है टेक्निक।